बड़ा अफसोस होता है इस तरह की खबरें सामने आती है। एक तरफ जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जुमले हम रोजाना सुनते हैं, तो वही शिक्षा के स्तर के कुछ नुमाइंदे इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, देखिए सुनिए और सतर्क हो जाइए। सरकार द्वारा शासन मान्यता प्राप्त सैकड़ों आश्रमशाला अनुदान तत्व पर शुरू है, मगर कई ऐसी आश्रमशाला है जहां पढ़ रहे बच्चों पर कहर बरपाया जा रहा है। ये बच्चे बीमारियों से लैस बेबस जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इनको हक नहीं आजादी का? क्या इनको हक नहीं अच्छे आहार का? आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल शासन के सामने एक बार फिर खड़ा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही आश्रम शाला का सच नीलेश ठाकरे की कलम से, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीसीएन न्यूज के संवाददाता शुभम बायसकर ने जब बोराड़ा आश्रम शाला का जायजा लिया तो पूरी कहानी आईने की तरह साफ नजर आई। तो चलिए बता दें आपको, हम चांदूर बाजार तहसील के ग्राम बोराड़ा स्थित चंद्रपुरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विमुक्त जाति भटक्या जमाती प्राथमिक आश्रम शाला को 120 छात्रों की मान्यता प्राप्त है, मगर इस आश्रम शाला में केवल 89 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी मजबूरी से बेबसी से। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि 31 छात्रों का क्या? क्या इन 31 छात्रों का अनुदान संचालक मंडल गटक रहा है या फिर ये कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? इस आश्रम शाला के अधिकतर बच्चे बीमार हैं, उन्हें अच्छा आहार नहीं दिया जा रहा है, ये बात साबित होती है। जब हमारे संवाददाता ने आश्रम शाला के संचालक गोत्रे से पूछा कि बच्चे क्यों बीमार है तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप ही सुन लीजिए। आजारा तो तस रोज समझा आता काल दोन तीन पोर होते तीन ही विद्यार्थी असले होते तो तीन विद्यार्थ्या की आज तब्यत चांगली है। त्याला आजारी म्हणजे फक्त ताप तापी का प्रमाण है। तो काल तीन पोर होते तो आम्ही इच्छा ग्रामीण रुग्णालय चांदूर बाजार तिथे दवाखान्यात घेऊन गेलो। त्यानंतर मग दुसरे तर अजूनही आज समजा अजून चार पाच विद्यार्थी असे वाढले, म्हणजे पाऊस आला का नाही वाढता तेव्हापासून हे थोडंसं बिमारीचे तापाच्या ह्या छाता पडल्या वाढले। तर आजारी असणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या आता सध्या सहा काय म्हणजे एकच आहे तापीचा आहे का नाही, तर ताप दवाखान्यात दिला त्यांचे उपचार केले तर तापीचं आणि गोळ्या वगैरे दिलं तर ते बरे होते। ते दोन तीन दिवस जास्तीत जास्त असे जास्त दिवसाचे आजार नाही। आम्ही वैद्यकीय अधिकारी जे असते ग्रामीण रुग्णालय चांदूर बाजार तिथे नेतो, तिथे बोराळा गावी इथे एक हे आहे दवाखाना आहे शासकीय तिथे नेतो, आणि जर कधी कधी असे इमर्जन्सीमध्ये ते दोन्ही दवाखाने जर बंद असले तर आम्ही खाजगी दवाखान्यात सुद्धा नेतो। तो देखा आपने, ये महाशय क्या बोल रहे हैं, बच्चों को महज बुखार है और उन्हें चांदूर बाजार के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ग्रामीण आरोग्य सेविका का क्या कहना है। बोराड्याच्या आश्रमशाळेच्या अजूनही फक्त आमच्याकडे कोणी आलेले नाही, आश्रमशाळेचे कोणी झाले असते तसे बोराड्याच्या कुठल्या आश्रमशाळेत सध्या तरी विद्यार्थी आमच्याकडे आलेले नाही एक दोन तीन महिन्यापासून। तो देखा आपने, ना तो बच्चों को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया और ना ही इन बच्चों का कोई रजिस्टर में एंट्री है। यहाँ तो ये बात बिल्कुल साबित होती है कि संचालक झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये तो रही झूठ बोलने की बात, जब हमारे वीसीएन न्यूज के संवाददाता आश्रम शाला का जायजा लेने पहुंचे तो संचालक मोहन गोत्रे ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, कौन पत्रकार मैं नहीं पहचानता, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहकर हमारे संवाददाता को अंदर आने से मना कर दिया। और जब हमारे संवाददाता अंदर पहुंचे तो नाटकीय ढंग से बच्चों को मैदान में खेलने के लिए उतारा गया। बेचारे बेबस बीमार बच्चे और करते भी क्या, जरा इन बच्चों की जुबानें भी सुन लीजिए, क्या कहते हैं ये बच्चे। मग दवाखान्यात गेली होती का? कुठल्या दवाखान्यात गेली होती? अब बताइए कौन है इसका जिम्मेदार, शासन संचालक मंडल या फिर कोई ऐसा बड़ा नाम जो बंद पिटारे में है। आज हमने आपको बताया नीलेश ठाकरे की कलम से आधा सच आश्रम शाला का, हम जल्द ही पूरा सच बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए वीसीएन न्यूज। चांदूर बाजार ग्राम बोराड़ा से हमारे संवाददाता शुभम बायसकर की है रिपोर्ट, नीलेश ठाकरे की कलम से सीधी बात जनता की दरबार से।